गाइस वेलकम बैक। 9 month प्रेगनेंसी का स्टार्ट होने ही वाला है। जब तक ये वीडियो एडिट होके अपलोड होगी मेरा 9वां महीना स्टार्ट हो चुका होगा और ऐसे में मैं अपने हॉस्पिटल बैग की तैयारी कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो कि मैं पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने लिए क्या लेके जा रही हूँ। तो जितनी भी मेरी तरह मॉम टू बी हैं वो अगर हॉस्पिटल जाती हैं तो उनको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या हॉस्पिटल बैग में आपको पहले से रेडी करके रखना चाहिए। और जो दूसरा वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं शेयर करूंगी कि बेबी के लिए मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ मैं चीजें लेके जाना भूल जाऊं तो आप मुझे कमेंट करके याद दिला देना कि दीदी ये चीज भूल गए हो, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी मदद करने के लिए, बट कभी भी आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो, है ना, हमेशा करते आए हो। बहुत सारी आपकी ब्लेसिंग्स और मेरी एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग देखनी है तो मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको अपना सूटकेस दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैंने सोचा है कि ये वाला सूटकेस रहेगा मेरा और इसके अंदर मैं सारी चीजें अपनी रखूंगी, बट मुझे लगता है कि मैं ना कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा चीजें भी लेके जा रही हूँ तो शायद ये सूटकेस छोटा पड़ जाए तो फिर मैं दूसरा सूटकेस ले लूंगी बड़ा वाला। अभी देखते हैं, पैकिंग करते हैं, पैक किया नहीं है, करूंगी तो समझ में आएगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना। हमने हॉस्पिटल ऑलरेडी बुक कर दिया था, ठीक है, 1 महीना पहले ही हमने हॉस्पिटल बुक कर लिया है और वहाँ पे 3 दिन के लिए बुक किया है। वहाँ 3 दिन की ही बुकिंग होती है, 3 दिन कम से कम रखते ही रखते हैं, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, मतलब नॉर्मल हो और सब कुछ ठीक है तो जल्दी आपको डिस्चार्ज भी कर देंगे। अदरवाइज अगर सी सेक्शन होता है तो 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन आपको रहना होता है, ऐसा मेरे हॉस्पिटल में है जहाँ मैं बुक करने वाली हूँ। बाकी 3 दिन से भी कम हो सकता है। अगर मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ तो मैं 3 दिन के हिसाब से अपने कपड़े और मॉम टू बी के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो रखने वाली हूँ। हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रख लूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला है तो एक्साइटमेंट में मैं बहुत सारी चीजें भर के रखूंगी। वैसे हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि आपको सिर्फ अपना 1 जोड़ी कपड़ा और बेबी का 1 जोड़ी कपड़ा लेके आना है और कुछ नहीं लाना, सब हम आपको देंगे। बट स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड मैं अपनी सारी चीजें लेके जा रही हूँ और प्लस हर हॉस्पिटल में सब कुछ नहीं मिलता है। मैं ये वीडियो उन विमेन के लिए भी बना रही हूँ जो ऐसे हॉस्पिटल में ना जाए जहाँ सब कुछ आपको ऑलरेडी मिले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले है ये, देखो जो भी चीजें मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ मैंने सब अमेजोन से मंगाया है और सबकी रेटिंग मैंने चेक की है कि कितनी विमेन ने इसको यूज किया है। फोटो डालते हैं, रिव्यू डालते हैं, रेटिंग देते हैं, जिसकी ज्यादा अच्छी रेटिंग है उसके हिसाब से मैं चीजें इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये है डिस्पोजेबल पैड फिक्सेटर, कुछ नाम बहुत ही डिफरेंट है। 5 क्वांटिटी है, लार्ज साइज मैंने मंगाया है तो एक बार अनबॉक्सिंग करके देखते हैं अंदर से ये कैसा है। ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसके अंदर 5 यूज एंड थ्रो पैंटीज हैं, काफी सॉफ्ट है और बहुत स्ट्रेचेबल भी है, आई थिंक मेरे में आ जाएगा सॉफ्टनेस, आई होप आपको पता चले। तो ये यूज एंड थ्रो पैंटी है, जब हमारी डिलीवरी हो जाती है बच्चे की के बाद हमारे पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और ये ब्लीडिंग कम से कम 40 दिनों तक चलती है, कुछ की जल्दी खत्म हो जाती है, 3 हफ्ते कुछ लोगों का रहता है ब्लीडिंग, कुछ लोगों का 6 हफ्ते रहता है। आप अपना एक्सपीरियंस बताना, मुझे तो लगता है मेरे तो वो रहेगा काफी दिनों तक। तो जब आप 3 दिन हॉस्पिटल में रहते हो इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप अपना पैंटी चेंज करो, धो नहाओ, नहीं तो फिर ये यूज एंड थ्रो पैंटी कम्फर्टेबल कन्वीनियंट रहती है हर मॉम टू बी के लिए। बहुत अच्छा है, इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे थे। तो एक बार मैंने यूज किया, उसके बाद इसको थ्रो कर दिया, फिर मैंने दूसरा यूज किया, तो आई थिंक एक ही काफी रहेगा लेके जाना। बट स्टिल ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, टू बी ऑन सेफर साइड। मैंने और भी मंगवाया है सो मैं 2-3 पैक तो लेके जाऊंगी, बच जाएगा तो घर आकर के वापस यूज कर लूंगी। तो फिलहाल ये 2 यूज एंड थ्रो पैंटी मैं यहाँ रखती हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद बहुत हैवी ज्यादा ब्लीडिंग होती है 40 दिनों तक के लिए, सो नॉर्मल जो पैड्स हम अपने पीरियड्स में यूज करते हैं वो काम नहीं आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको ऐसा पैड चाहिए जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाए। मैंने ऑप्शंस पे रखे हैं बहुत सारे पैड, मुझे नहीं पता कौन सा वाला बेस्ट इनमें से निकलने वाला है तो उसी टाइम यूज करके देखेंगे, अगर ये अच्छा हुआ तो ये सही, नहीं तो दूसरे और भी ब्रांड्स हैं, मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए हैं। एक तो न्यू मॉम का है मेरे पास, एक क्लोविया का है और एक और ये प्रीमियम मैटर्निटी पैड्स मैंने मंगाया है। एक बार खोल के देखते हैं कैसे अंदर से, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ ये वाला। ये क्लोविया के तो मैंने एक बार यूज किया था, इसका रिव्यू किया था, ये अच्छे होते हैं काफी, ये पूरा डायपर जैसा होता है, लेट मी शो यू। तो एक के अंदर 2 हैं, सबका मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी तो आपको प्राइस वगैरह रेटिंग्स भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके पैकेजिंग में आता है,
आई थिंक मैं वहाँ सीजर भी ले जाऊंगी एक। तो जैसा मैंने आपको बोला था ये पूरा डायपर जैसा आता है, ये देखो। इसके साथ आपको पैंटी पहनने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली ये पहन लो। 360 डिग्री पूरा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये मैं कितने रखूँ, 3 रख लूँ, आप लोग बताना मुझे कितना रखना चाहिए। हाँ, जितनी भी माएँ बन चुकी हैं उनको आइडिया होगा कितना रखना चाहिए। एक में 2 है, फिलहाल मैंने 3 रखा है। आप बताओगे कितना रखना चाहिए तो उसके हिसाब से मैं इसको निकाल दूंगी, ठीक है। आई नीड योर हेल्प। ये वाला भी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसा है। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल रही हूँ, बट आप होना बताने के लिए, गाइड करने के लिए। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है, इसके अंदर 5 है। ये काफ़ी बड़ा है और आई थिंक, ओ वाओ, इतना बड़ा पैंट मैंने कभी नहीं देखा। ये कैसे होगा यूज, मतलब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल पैड से कंपैरेटिवली दिस इज ह्यूज। मुझे लगता है ये काफी अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला है और इसके रेटिंग्स बहुत अच्छे थे, बहुत सारी मॉम टू बी ने इसको यूज किया हुआ है। आई हैव हाई होप्स, बताओ अगर आपने यूज किया है तो। लेट्स सी। तो ये वाला भी मैं एक पैकेट रख लेती हूँ, फिलहाल एक रख रही हूँ, बाकी आप बताना मैं कितना रखूँ। ओके, आधा से ज्यादा मेरा सूटकेस तो पैड से ही भर गया। ओके, इस वाले पैड की भी अनबॉक्सिंग करते हैं। के अंदर तो बहुत सारे पैड्स हैं, कितने पीसेज हैं, 14 पीसेज हैं। एंड वाओ, ये भी बहुत बड़ा है, ह्यूज, बहुत सॉफ्ट है ये, दिस इज रियली नाइस गाइस। ये महंगा है लेकिन मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहा है उस वाले से। अभी यूज करके बताऊंगी आपको कि कौन सा वाला बेस्ट रहा। अभी ये कितना रखूँ मुझे नहीं आइडिया, उतना ही अभी रखती हूँ, ये घर आके यूज़ कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने मंगाया है मटर्निटी ब्रा। जब बच्चे को भूख लगती है उसको दूध पिलाना होता है, तो अगर आप नॉर्मल ब्रा पहनोगे तो आपको पूरी ब्रा निकालनी पड़ेगी, लेकिन इस वाले में होता है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, और आप पिला सकते हो। मैं कैसे समझाऊँ आपको, लेट मी शो यू लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने ब्रा पहनी है तो इसको मैं यहाँ से ऐसे निकालूंगी और यहाँ से दूध पिला सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा होता है, आपको पूरी ब्रा पीछे से हुक नहीं निकालनी पड़ती है, सिर्फ ये निकालना पड़ता है। सो ऐसे मैंने 2 मैटरनिटी ब्रा लिए हैं। ये पैड वाला है, पता नहीं पैड, इसमें पैड निकल जाएगा, ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखो ये निकल गया, और पिला सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे साइज का मिला है। सो ये 2 ब्रा जाएंगे मेरे साथ। नेक्स्ट मैं लेके जा रही हूँ डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स। तो इसके अंदर है अगेन पैड्स, बट हमारे ब्रेस्ट के लिए, क्योंकि हमारा जब बेबी होता है तो मिल्क प्रोडक्शन कभी कभी ज्यादा हो जाता है, ब्रेस्ट लीक होने लग जाता है, तो ऐसे में ये यूज कर सकते हैं। ये आज तक तो यूज नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी। सो यहाँ से आप निकालोगे एंड देन यू विल स्टिक दिस। ये स्टिकी वाला पार्ट आप अपने ब्रा पे स्टिक कर दोगे, ठीक है, एंड देन ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे रख के आप ब्रा पहनोगे ना तो ये चीज ब्रा पे स्टिक हो जाएगी, फिर जितना भी दूध निकलेगा ना एक्स्ट्रा वो इसके अंदर आ जाएगा। अदरवाइज इमेजिन अगर आपने ये नहीं पहना हुआ है तो ब्रेस्ट आपकी लीक करेगी तो कितना गंदा लगेगा यहाँ पे गीला गीला, तो उसके लिए काफी सही है। वैसे तो मैंने यूज एंड थ्रो पैंटी रखी है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड मैं अपना ये रेडीमेड पैंटी भी लेके जा रही हूँ। अगेन एक्स्ट्रा लार्ज साइज में मंगाया है, बिकॉज पुट ऑन तो बहुत किया है हमने, तो ये भी रख लेती हूँ। मैंने अपनी सारी मेडिसिन इसमें रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। थायराइड की मेडिसिन है, ये रात को खाना खाने के बाद, ये दोपहर को खाना खाने के बाद, ये भी रात को खाना खाने के बाद, एंड ये मॉर्निंग में खाना खाने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5 मेडिसिन हैं, प्रेगनेंसी में दी जाती हैं बच्चे की अच्छी ग्रोथ और माँ के अच्छी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ नहीं, माँ के अच्छे पोषण के लिए। ग्रोथ तो हो गई माँ की, और कितनी होगी। मेडिसिन ले जाना ना भूले अपना। मैंने यहाँ पे एक पाउच मंगाया था अमेजोन से, आपको व्लॉग में दिखाया था। तो इसके अंदर मैं अपना कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट रख सकती हूँ। तो इसके अंदर मैंने कुछ स्किन केयर और थोड़ा सा मेकअप का सामान रखा है। लोग कह रहे, कमेंट कर रहे थे व्लॉग में कि हॉस्पिटल में मेकअप कौन करता है, जब बेबी हो जाता है तब रेडी होके शायद वहाँ फोटोशूट भी होगा, श्योर न्यू पर होता है कई जगह पे फोटोशूट, तो वहाँ पे थोड़ा सा टचअप देने के लिए, अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा या नॉर्मल होगा तो पता नहीं, हालत बुरी रहेगी तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है ना, क्योंकि फोटो खींचेगी तो वो तो मेमोरी जिंदगी भर के लिए रहेगी ना, तो उसके लिए थोड़ा सा रखा है मैंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या रखा है, अभी हो सकता है मैं और भी चीजें इसमें ऐड ऑन कर दूँ। फिलहाल तो ये फेस क्लीन करने के लिए टॉवल है, मेकअप इरेजर भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर नॉर्मली पानी गीला किया और इससे अपना मुंह पोछ लिया, मुंह साफ हो जाता है, फेस वॉश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अंदर यहाँ पे ऐसा मिलता है पार्टीशन, ट्रांसपेरेंट रहेगा, यहाँ मिरर मिलेगा जो कि बाहर भी लटक सकता है, देन यहाँ पे आप मेकअप ब्रशेस रख सकते हो। फिलहाल मैंने सब निकल गया मेरा, मैंने जिप बंद नहीं किया था। यहाँ पे मेकअप ब्रशेस रख सकते हैं, फिलहाल ऐसे ही 2 रख दिए हैं मैंने, एंड ये बंद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर मैंने टंग क्लीनर रखा है अपने लिए और प्रिंस के लिए, बहुत जरूरी है। मिरर, हैंडी मिरर रखा है मैंने, ये कंघी ऑफ कोर्स,
रबर बैंड्स, ये बहुत बड़ा मैंने ले लिया, मैं प्रिंस को बोलूंगी छोटा लेके आए, वैसे वहाँ कोलगेट मिलेगा फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड जाऊंगी, पर ये नहीं ले जाऊंगी, ये बहुत बड़ा है, छोटा लेके जाऊंगी, ठीक है। दो टूथब्रश मेरे और प्रिंस के लिए, वो भी मेरे साथ 3 दिन वहाँ स्टे करने वाले हैं। सोप नहाने के लिए, वैसे मुझे लगता नहीं नहाने को मिलेगा मुझे, लेट्स सी अगर मिले तो प्रिंस तो नहा ही लेंगे। सोप रखा है मैंने, ये मेरे नाइट क्रीम डे क्रीम स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, पता नहीं यूज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेट्स सी। लिप बाम बहुत जरूरी है, होंठ बहुत फटते हैं तो उसके लिए ये तो मेरे बेड साइड में रहेगा। वहां मुझे प्रॉपर एक अलमीरा भी मिलेगा, तो ये सब निकाल के मैं अलमीरा में रख दूंगी या प्रिंस से रखवा दूंगी। और यहाँ मैंने इस पाउच में रखा है फेस टॉवल, बहुत सॉफ्ट है ये भी, मैंने अमेज़न से मंगाया था, दिस इज वेरी वेरी सॉफ्ट, अच्छा है, बहुत काम आएगा मेरे। मेकअप के नाम पे सिर्फ मैंने ये कॉम्पैक्ट ही रखा है और कुछ नहीं, और ये आईब्रो को ग्रूम करने के लिए, दैट्स इट। एक छोटा सा क्यूट सा हिमालय फेस वॉश, आई थिंक बहुत ही ज्यादा छोटा है। एंड मुझे बॉडी लोशन रखना है, तो इतना बड़ा तो बॉडी लोशन नहीं लेके जाना चाहती मैं, तो काम करती हूँ उसको ट्रांसफर कर देती हूँ इस छोटे से बॉटल में। एंड देन सो यहाँ मैंने भर दिया है बॉडी लोशन एंड आ गया यहाँ पे, सो ये मैं यूज कर सकती हूँ। बॉडी लोशन के बिना मेरा काम नहीं चलता, सो यहाँ मेरा छोटा पाउच रेडी हो गया, इसकी जरूरत नहीं। चलो अब सब वापस रख देती हूँ इसके अंदर। एंड देन सिप लॉक कर देते हैं। तो ये देखो बहुत ही अच्छे से मेरा ये किट तैयार है स्किन केयर के लिए और डेली एसेंशियल्स के लिए। याद दिलाना कुछ भूल रही हूँ तो। अच्छा मैंने सुना है जब बेबी हो जाता है ना तो उसको दूध पिलाने के लिए आपको ना पिलो की जरूरत होती है, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पिलो मैं अपने साथ लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, ये आप मुझे बताओ। तो ये नर्सिंग पिलो है, लेट मी शो यू, थोड़ा हैवी है। सो गाइस ये नर्सिंग पिलो है, अभी मैंने इसको खोला नहीं है और मैं खोलूंगी भी नहीं। तो ये अपनी कमर में रख करके बच्चे को इसके ऊपर लिटा करके दूध पिलाते हैं ताकि हमें ज्यादा झुकना ना पड़े, नहीं तो बैक में बहुत दर्द होता है। बहुत कंफर्टेबल कन्वीनियंट होता है, इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, काफी सारी माओं ने अच्छा अच्छा इसके बारे में लिखा है, तो मैंने मंगा लिया। घर आऊंगी तो यूज ऑफकोर्स करूंगी, पर मैं अभी सोच रही हूँ मैं इसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा है, कार में रख के आराम से लेके जा सकती हूँ, बट आप मुझे सजेस्ट करो ये ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ, काम आएगा या नहीं आएगा। सो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ कपड़े भी, ऑफकोर्स वहाँ गाउन मिलेगा पहनने के लिए, हॉस्पिटल के जो गाउन होते हैं 3 दिन वही पहनना है, लेकिन वहाँ से आते टाइम के लिए मुझे कोई अपनी ड्रेस पहननी होगी या फिर वहाँ के गाउन मुझे कंफर्टेबल ना लगे तो मैं अपनी ड्रेस पहनना चाहूँ, तो इनमें से एक दो लेके जाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऑप्शन में मैंने क्या रखा है। पहले तो टॉवल रखा है अगर मेरे को नहाने को मिला तो, एंड देन शायद मैंने मिंत्रा या जिवामे से मंगाई है, वो मैं दिखा दूंगी आपको। बटन्स वाले गाउन या ड्रेसेस मैटरनिटी के लिए काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि दूध पिलाने के लिए आपको पूरे कपड़े नहीं हटाने पड़ते, आगे के 2-3 बटन खोलो और आराम से बच्चे को दूध पिला लो, ठीक है। तो इसके नीचे तो वैसे ये शॉर्ट है, बट मैं लॉन्ग पजामा ले जाऊंगी क्योंकि शायद वहां मुझे ठंड लगेगी, तो ये एक ऑप्शन में रखूंगी मैं, ये तो रखूंगी, ये तो नहीं रख पाऊंगी, ठीक है। एंड मैंने ये भी सुना है कि बेबी होने के बाद सर ढक के रखना चाहिए, मुझे इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछूंगी इसके बारे में। अगर ठंड लगती है इसलिए सर ढकना होता है तब तो ठीक है, और शायद ठंड लगती है अगर इनकेस ऑपरेशन हुआ तो ठंड लगती है बहुत, मैंने कई लोगों से सुना है। तो ये मेरी मम्मी जी ने मुझे दिया था स्कार्फ, मफलर बांध दिया है मैंने, मफलर मेरे को मेरे सासू माँ ने दिया था, बोला था कि बेटा बहुत ठंड लग जाएगी थोड़ा सा कान ढक लो, सो ये मैं यूज करूंगी। एंड आप मुझे बताना क्या लॉजिक है सर ढकने का, ये कोई रिचुअल है या ये साइंटिफिक कोई चीज है। जैसा कि मैंने सुना है कि बहुत ठंड लगती है तो मैंने ये गर्म पजामी भी रख लिया है अपने साथ, ये अंदर से बहुत ही ज्यादा वार्म है, अंदर सॉफ्ट फर है, बहुत गर्म है, अगर मुझे ठंड लगती है तो मैं ये सॉफ्ट पजामी पहन सकती हूँ। नाउ हॉस्पिटल से वापस आते टाइम मैं कौन सा गाउन पहनूं, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे कौन सा पहनना चाहिए, ठीक है। पिंक वाला उतना कुछ खास नहीं लग रहा वैसे, ये मैं रखती नहीं ऑप्शन में, छोड़ो, ये दो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं तो आप बताना, ठीक है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो ये अच्छे से बॉडी हगिंग है, लॉन्ग भी है, प्लस अगर बेबी को दूध पिलाना होगा तो ये यहाँ से ऊपर उठाया और यहाँ से दूध पिला सकते हैं, इसलिए ये काफी अच्छा है मैटरनिटी गाउन। लेकिन इसमें ये स्ट्रिप्स है ना, तो अगर फोटो शूट कुछ हुआ तो स्ट्रिप्स वाली ड्रेसेस में फोटो अच्छी आती नहीं है, तो इसके लिए मैं डाइसी हूँ, पर ये अच्छा लगता है मुझे, बहुत कंफर्टेबल है। एंड दूसरा ये वाली ड्रेस है, ये भी बहुत अच्छी है, बेबी होता है दूध पिलाने के लिए इजी रहता है कि आगे के बटन, अच्छा दिख रहा है बटन, पर यहाँ पे जिप है तो ये तो और भी अच्छा है, बटन पाने से तो जिप ही अच्छा है, जिप खोलो और बच्चे को दूध पिला लो, ठीक है। कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें यहाँ पे जिप होते हैं, उससे ज्यादा कंफर्टेबल होता है फ्रंट जिप वाला या फ्रंट में बटन हो, तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए काफी इजी रहता है। तो ऐसे गाउन्स आप लोग अपने लिए देखना अगर आप भी मेज से माँ बनने वाले हो तो, ठीक है। ये भी काफी अच्छा है, लॉन्ग है, हल्का फुल्का वॉर्म है, जिप है, तो ये दो ऑप्शन में फिलहाल मैंने रखे हैं, आप बताओ फर्स्ट और सेकंड।
ठीक है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप विथ LCD टच स्क्रीन डिस्प्ले। सो ये बेसिकली इसलिए है, कभी कभी ये ऐसा होता है कि इनकेस सी सेक्शन हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब कौन से केसेस में जरूरत पड़ती है उसकी वीडियो अलग से मैं बना के दिखाऊंगी। मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज करना चाहिए और मुझे नहीं पता वाकई में ये मेरे काम आएगा नहीं आएगा। मैंने रिव्यूज में देखा और लिस्ट में देखा तो ये था, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। आई डोंट नो ये काम का है या मैंने फालतू में ले लिया, बताना आप मुझे ये मेरे काम आएगा या नहीं आएगा। इसके साथ दो ब्रेस्ट पैड मिले हैं मुझे, इसको प्लेस कर, मैंने यूज नहीं किया था, मुझे पता नहीं, इसको प्लेस करना होगा अपने ब्रेस्ट के पास, निपल्स के पास, एंड देन यहाँ से ऑन कर देंगे, प्लग इन कर देंगे। सो ये अपने आप ही इलेक्ट्रिक तरीके से दूध निकाल के दूध इसके अंदर स्टोर कर लेता है। सो बेबी को आप आराम से दूध पिला सकते हो इसके थ्रू। यूज करूंगी फिर आपको बताऊंगी कि ये वाकई काम का है या फालतू में मंगा लिया प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये एक चीज मंगाई है। देन मैंने यहाँ पे स्लीपर्स भी रखा है, वहां पे हॉस्पिटल में स्लीपर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सैंडल पहन के तो घूमोगे नहीं, ठीक है। तो ये मैंने फ्रंट ओपन वाला ही मंगाया है और काफी सॉफ्ट है। वैसे तो डिलीवरी मेरी मई में हो रही है, गर्मी है, गर्मियों के टाइम में, पर कहते हैं ठंड पड़ती है डिलीवरी के बाद, लगती है ठंड माँ को। तो मैंने सॉक्स मंगवा लिया है, अब फ्रंट ओपन है मेरे स्लीपर्स का तो ऐसे वाले सॉक्स इजीली मैं पहन सकती हूँ, ये वार्म रखेगा मुझे। आई थिंक एक शॉल और एक स्वेटर भी मुझे रख लेना चाहिए इन केस मुझे वहाँ ठंड लगे ज्यादा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने यहाँ पे रखा है मेरी सारी रिपोर्ट्स, प्रेगनेंसी जर्नी की पूरी फाइल है ये 9 महीने की। इसमें सारे अल्ट्रासाउंड है, रिपोर्ट्स हैं। आपको पता है मेरी ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी आई है आपकी। ओ भाई साहब, मैं तो बहुत ही डर गई थी जब हाई रिस्क आया था और रेड लाइन आई थी। 1:195 आया, पॉजिटिव रिस्क लिखा था रिजल्ट। ओ तो सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स रही, मेरी बारे में सारी डिटेल्स, बेबी की डिटेल्स, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस। तो ये अपने साथ जरूर रखना अपनी सारी फाइल वाइल, ठीक है। तो ये लेके जा रही हूँ मैं। तो गाइस फिलहाल तो पैक नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा, इसको अच्छे से फोल्ड करके बंद करना पड़ेगा। करूंगी मैं वो बात नहीं, मतलब मैं नहीं करूंगी, अब तो प्रिंस से कराऊंगी, इतना कर दिया मैंने वही बहुत है। प्रिंस के कपड़े भी रखने हैं, आप जाओ तो अपने पार्टनर के कपड़े भी लेके जाना। सो प्रिंस बाद में अपने 2-3 कपड़े डाल लेंगे इसके अंदर। बस सारी पैकिंग ऑलमोस्ट मेरी और प्रिंस की तो हो गई, अभी बेबी की पैकिंग करनी बाकी है, तो उसके लिए मैं शूट करती हूँ दूसरी वीडियो। तो दूसरी वीडियो का आपको इंतजार करना होगा। वैसे उम्मीद नहीं थी पर सारी चीजें इसके अंदर पैक होके आ चुकी हैं। तो मेरा हॉस्पिटल बैग रेडी है, 9 मंथ बस यूं खत्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी बेबी हमारे हाथ में आ जाएगा। सो गाइस अगर आप मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखना चाहते हो तो मेरा ब्लॉग मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बी नेचुरल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रिलेटेड टू वुमेन, मदर, हेल्थ एंड हाइजीन, फैशन, DIY। So that's it for today. Thanks for watching. I'll catch you again. Till then, bye guys.